ये किसी बसे बसाए गांव या शहर का नजारा नहीं है, बल्कि ये तो एक अस्थाई गांव है जो स्काउट गाइड के कार्यक्रम के लिए बनाया जा रहा है। दरअसल 66 साल बाद राजस्थान को स्काउट गाइड के सबसे बड़े इवेंट जम्बूरी की मेजबानी मिली है। 4 से 10 जनवरी तक देश भर के 35,000 स्काउट एंड गाइड पाली के निम्बली गांव में आएंगे। 35,000 स्काउट एंड गाइड के लिए 220 हेक्टेयर जमीन पर पूरा गांव बसाया गया है, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसमें देश के प्रत्येक प्रांत सहित एशियाई देशों से करीब 35,000 स्काउट एंड गाइड के भाग लेने की संभावना है। इस राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष अनिल जैन बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि जम्बूरी स्थल पर 100 टेंट के कुल 35 ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं। इनमें कुल 3500 टेंट होंगे। हर ब्लॉक के साथ एक किचन रहेगा, जहां शिविर में आने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक टेंट के लिए 30x40 वर्ग मीटर का प्लॉट आरक्षित किया गया है। इसमें 14x14 का टेंट लगेगा। वही शेष स्थान पर शिविरार्थी के लिए शू स्टैंड, बर्तन धोने और रखने का स्टैंड, कपड़े रखने का स्थान, किचन आदि तैयार किए जाएंगे। एक टेंट में 9 शिविरार्थी और एक प्रभारी के रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस अस्थायी गांव के गेट भी खास बनाए गए हैं। अलग अलग गेट पर देश के सभी 28 राज्यों और राजस्थान के सभी 33 जिलों के नाम लिखे हुए हैं। ये स्थायी गांव पाली के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। इसके अलावा यहां 2 बाजार बनाए गए हैं, जिसमें 80 दुकानें रहेंगी। इन दुकानों पर शिविरार्थी के लिए सब्जियां, फल, प्रोविजनल सामग्री, हेयर सलून, स्टेशनरी, मोबाइल, दूध, गर्म कपड़े, राजस्थानी ड्रेसेस, खादी, हैंडीक्राफ्ट, मिट्टी के बर्तन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि की दुकानें लगाई जाएंगी। इसके अलावा यहां 7 रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से लेकर ATM और बैंक की सुविधा तक रखी गई है। खास बात यह है कि इसमें एक अस्थायी स्टेडियम भी बनाया गया है, जिसमें 35,000 लोग बैठ सकते हैं, जो कि ऐसा पहला बड़ा अस्थायी स्टेडियम है। इसके अलावा कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा, जिसमें एक साथ 35,000 बच्चे जम्बूरी गीत गाएंगे। साथ ही यहां बच्चों के रहने के लिए टेंट हाउस के अलावा अस्थायी हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंस रूम, हेलीपैड भी बनाए गए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए डामर की सड़कों के साथ पानी और बिजली की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार यहां वाटर एक्टिविटी के साथ एडवेंचर एक्टिविटी में राफ्टिंग, स्काई साइकिलिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी होंगी। साथ ही यहां इंडियन एयरफोर्स के सूर्य किरण विमान करतब दिखाएंगे और BSF के जवानों द्वारा ऊंट पर टैटू शो भी होगा। इसके अलावा जम्बूरी स्थल पर राजस्थानी लोक संस्कृति की झलक भी देखी जा सकती है। स्थल पर ग्रामीण झोपड़ी, राजस्थानी वेशभूषा में स्त्री पुरुष, ऊंट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और लोक कला के मॉडल बनाए गए हैं। वहीं राष्ट्रपति द्वारा मंच के उद्घाटन के लिए रंगोली भी बनाई गई है। साथ ही कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए लड़कियों को जम्बूरी गीत पर डांस की तैयारी भी करवाई जा रही है। नए साल पर पाली इतिहास रचने जा रहा है। ये देश की अब तक हुई 17 जम्बूरी में सबसे बड़ी होगी। सरकार भी इस इवेंट को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। साथ ही स्काउट गाइड भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। राजस्थान तक के लिए पाली से भारत भूषण जोशी की रिपोर्ट।